हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो अध्याय 8 से रिलेटेड है, ठीक है ना। कौन सा अध्याय है? अध्याय 8 है। और भाग कौन सा है? भाग, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि जो कोशिका की जो संरचना होती है वो कितने टाइप में डिवाइड होती है, कितने प्रकार में डिवाइड होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। हम कोशिका, हमने ये बताया था कि कोशिका की जो संरचना होती है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहली होती है कोशिका आवरण और दूसरी होती है जीव द्रव्य, ठीक है ना। तो कोशिका आवरण के भाग को लेकर हम आगे कवर करेंगे, कोशिका आवरण के ही चीजों को लेकर, उसके टाइप्स को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जीव द्रव्य के बारे में आने वाले समय में हम उसमें उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो कोशिका आवरण का जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? कोशिका भित्ति। क्या था? कोशिका भित्ति। कोशिका की भित्ति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिका भित्ति पाई कहाँ कहाँ जाती है, कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। हम उसके बारे में बात कर ले पहले, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि आर एच विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने पांच जगत वर्गीकरण पद्धति दिया था ना। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में कौन कौन सी चीजें शामिल थी? आपका एक था, आप कह सकते हो मोनेरा में प्रोटिस्टा का एक था जीवाणु। जीवाणु दरअसल एक भाग नहीं था, वो मोनेरा के अंतर्गत आता था, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? जीवाणु में पाई जाती है, ठीक है ना। और कहाँ पाई जाती है? और कवक में पाई जाती है, ठीक है ना। और कहाँ पाई जाती है? और पाई जाती है आपके शैवाल में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होगी, ये जो सेल वॉल होगी, वो किस चीज से बनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि कोशिका आवरण क्या है? ये है, और उसके अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? उसके अंदर वाला भाग जीव द्रव्य कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये सेल वॉल है, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य, ठीक है ना। ये बात आपको सब समझ में आ चुकी है। मैं आप किसके बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पर? सेल वॉल के बारे में। जीवाणुओं में सेल वॉल किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? अगर मैं बात करूं जीवाणु में कोशिका भित्ति कितने चीजों से मिलकर बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जीवाणु में किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? वो होती है प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। काय से मिलकर बनी होती है? लिपिड से मिलकर बनी होती है। और क्या है? और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। और मैं क्या कह सकता हूं कि इन तीनों नामों को अलग अलग नाम लिखकर, इन तीनों नामों को अलग अलग नाम लिखकर, इन तीनों को मिलाकर एक नाम बनता है जिसका नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, तो आप कह सकते हो कि जीवाणु में जो कोशिका भित्ति मिलकर किससे मिलकर बनी होती है, इन तीनों का अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि कोशिका भित्ति जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान करना है कि कोशिका भित्ति जो है जीवाणु की कोशिका, जीवाणु नाम, जीवाणु की जो कोशिका होगी उसमें जो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा वो किन
तत्वों से मिलकर होगा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर होगा, ठीक है ना। तो ये था एक इंफॉर्मेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, ठीक है ना। तो जीवाणु के कोशिका में जो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा कैसे होगा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से होगा, ठीक है ना। अब बात आती है कवक की, कवक में कैसे होगा, कवक में आपको एक ही होगा काइटिन, काइटिन एक ही नाम होता है। कवक में कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, काइटिन से होता है, ठीक है ना। शैवाल की बात होगी, शैवाल में किससे मिलकर बनी होगी, तो इसमें तीन चीज आती है, पहला होता है सेल्यूलोज, क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, मैनॉन्स होता है, मैनॉन्स होता है, और एक खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, और एक क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो शैवाल के अंदर कोशिका भित्ति किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज, मैनॉन्स और खनिज पदार्थ से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो ये था, अब हम बात करेंगे पौधों में, तो पौधों में किन किन सी चीजों से, देखो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, उसके बाद हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ठीक है ना, प्रोटीन, इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है क्या, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। याद रखने वाली क्या बातें हैं, याद रखने वाली बात यह है कि कोशिका भित्ति सबसे पहले कहां पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है, और पौधों में पाई जाती है, ठीक है ना। अब जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का संयुक्त नाम क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ओके। अब हम बात करेंगे कवक में, कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, ठीक है ना। चलिए शैवाल, शैवाल में काय से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, मैरॉन्स से बनी होती है, और आपका खनिज पदार्थ से बनी होती है, ठीक है ना। पौधों में किस चीज से बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, क्या बनी होती है, कोशिका भित्ति। एक इंपॉर्टेंट बात, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है ना। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है ना। तो ये था जो आपका चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा और अच्छे से इसको अपने कॉपी में जो है नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना किस तरह से होती है, ठीक है ना। चलिए कोशिका की, कोशिका भित्ति की संरचना की मैं बात करूं, ये आपके हम क्या बना रहे हैं, हम एक कोशिका बना रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये जीवाणु की कोशिका है, कोशिका की संरचना है, ये कोशिका की संरचना हो गई, ठीक है ना। इसमें मैंने केंद्रक बना दिया, इसमें भी मैंने केंद्रक बना दिया। अब कोशिका के अंदर जोन जोन से कोशिकांग होते हैं उनको हम रख देंगे। मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी वही सारी चीजें बना देंगे, ये बना देंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम,
ठीक है ना, ये सब सारी चीजें बना देंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि कोशिका भित्ति में कितने परत होते हैं, तो कोशिका भित्ति में चार परत होते हैं, ठीक है ना। कोशिका भित्ति में कितने परत होते हैं, चार परत। पहला प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है ना। दूसरा क्या, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये मध्य पटलिका, चौथे भाग को हम बोलते हैं मध्य पटलिका, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला, मिडल मिडल लैमेला। इसको प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला इंग्लिश में। अब मैं बात करूंगा, मैं ये क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है ना। ये क्या है, कोशिका भित्ति है ये। अब मैं अगर इस यहां से इसको एक बड़े आकार में बनाऊं, मतलब इस वाले पार्ट को मैं एक बड़े आकार में बनाऊं, तो हमें कुछ इस टाइप की संरचना देखने को मिलेगी, देखेंगे। ये कुछ इस टाइप से हमें संरचना देखने को मिलेगी। जो ये वाला साइड है, जो सबसे बाहरी वाला, ये वाला और ये वाला, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको हम, सेकेंडरी सेल वॉल। और जो ये वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना, प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो डार्केस्ट वाला भाग है उसको हम बोलेंगे मिडल लैमेला, ठीक है ना। मतलब आप समझिए कि ये जो डार्क वाला भाग है उसको हम बोलेंगे मध्य पटलिका। उसके बाद जो ये वाली लाइन है, ये वाली मध्य पटलिका के बाद जो पहली लाइन पड़ रही है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो लास्ट वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है ना। मतलब कि आपको अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो देखिए, ये 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 इसको हम बोलेंगे मिडल लैमेला, इस वाले पार्ट को बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सेकेंडरी, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है ना। अब मैं क्या बताता हूं आपको, इसमें संरचना में समझने वाली बात है। मान लीजिए ये किसी चीज की संरचना हो गई, जीवाणु की हो गई, चाहे किसी भी चीज की हो गई। जब किसी जीव द्रव्य को यहां से यहां आना होता है, तो क्या होता है कि यहां पर एक संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये जो बीच में जो खाली संरचना है ना, ये जो बीच में खाली संरचना है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेश्मोटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेश्मोटा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेश्मोटा। ये वाला जो पार्ट होता है, जो ये खाली खाली पार्ट दिख रहा है ना, वो प्लाज्मोडेश्मोटा कहलाता है। इसलिए कहलाता है क्योंकि कोई भी जीवद्रव्य यहां से इस पार्ट में आता जाता रहता है। मतलब कि जो जीवद्रव्य होता है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना की क्रिया किसके द्वारा करता है, प्लाज्मोडेश्मोटा के द्वारा करता है, ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति क्या हो गई, कोशिका भित्ति मतलब ये है, और कोशिका भित्ति ये जो बाहरी आउटर जो लाइन होती है, जो कि किसी भी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो सबसे आउटर लाइन जो होती है, आउटर मोस्ट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कोशिका
भित्ति, उसमें तीन तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका, ठीक है ना। तो ये थी संरचना। आप इस संरचना को, जो ये वाला जो यहाँ पर पार्ट है उसको मैंने टीएस बनाया है, ये टीएस ऑफ सेल वॉल है, ठीक है ना। मतलब कि हमने कोशिका भित्ति की अनुप्रस्थ काट में ये देखा कि यहाँ पर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसमें तीन परतें होती है। हाँ, तृतीय कोशिका भित्ति मैंने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि यह बहुत कम ही जीवाणुओं में पाई जाती है, बहुत ही कम कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जहां पर पाई जाती है वहां पर तृतीय कोशिका भित्ति भी होती है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर ये इसका बड़ा रूप है, ठीक है ना, उसको अच्छे से बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेकेंडरी कहलाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यानी मध्य पटनिका के बाद जो पार्ट पड़ेगा उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, और जो मध्य पटनिका आपको ब्लैक वाली दिखी रही है, ठीक है ना, अच्छे से समझना इसको। तो ये जो था आज का टॉपिक ये था। अब हमारा एक टॉपिक इसमें बचता है कि कोशिका भित्ति के कार्य बताइए। तो कोशिका भित्ति के क्या काम होते हैं? सबसे पहले यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे बाहर रहता है, एक बॉर्डर का काम करता है सेल्स के लिए, कोशिका के लिए एक बॉर्डर का काम करता है। दूसरा हम कह सकते हैं यह कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है, क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। तीसरा हम लिख सकते हैं यह कोशिका में आने और जाने वाले पदार्थों के परासरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? जीवद्रव्य के आगमन और प्रस्थान में परासरण और प्रासरण की क्रिया को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो तीन मोस्ट जो फंक्शंस हैं वो सेल वॉल के, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ये सेल वॉल जो था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, आप इसको अच्छे से समझना और अच्छे से करना, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता दिया कोशिका भित्ति किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अच्छे से इस वीडियो को समझिए और अच्छे से इस वीडियो को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग को दोबारा इस विषयों पर, इन टॉपिकों पर बात करने का समय पता नहीं मिले कि नहीं मिले, लेकिन आप लोग इन टॉपिक पर बात कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बात करके आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। आपको लगातार हम वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसके माध्यम से आप उस पर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स, जो कोशिका आवरण का जो दूसरा पार्ट था ना उसके बारे में बात करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो जब तक के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अध्ययन कार्यों में अपना मन लगाइए। धन्यवाद।